इलेक्शन कमीशन के पास जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, हम आपको नहीं रोकेंगे। आपने 400 पिटिशंस में से 4 हलके हमने मांगे थे, सिर्फ 4। आपने उनका रास्ता 2.5 साल लगे उन हलके खुलवाने में, और मैं जब पब्लिक में निकला था तो एक साल के बाद पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए, पार्लियामेंट में आए। यहाँ जो शोर मच रहा है, आपको तो यही नहीं पता कि कौन से हलकों में क्या हुआ है, आपको तो यही नहीं पता। एक बोली डाला का मैं आपको, ये हमारी मदद की है, ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन जीतने में हमारी मदद की गई है। हम 43 प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के हलके हमारे पास है, जो हम 3000 से कम से वोट से हारे हैं। तो किसने मदद की है कि 3000 वोट नहीं दिलवा सके हमें 43 हलकों में? 14 हलके हमारे नेशनल असेंबली के हैं जो 4000 और कम से वोट से हारे हैं, एक 50 वोटों से एक हलका हारे हैं। तो कौन था जो हमारी मदद अगर करता तो हमें 14 सीटें तो मिल सकती थी नेशनल असेंबली की। इसलिए आप जो भी जिस तरह की भी तफ्तीश करवाना चाहते हैं, जो भी आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हम कोऑपरेट करेंगे क्योंकि हमें पता है हमने धांधली नहीं की। लेकिन आखिर में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका है ना करेगा। कोई जितना मर्जी आप शोर मचा ले, जो मर्जी करें, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने का। शर्त यह होगी, कंटेनर हम देंगे। हमने 4 महीने मैंने गुजारे, 4 महीने। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि आप और मौलाना फजल रहमान एक महीना गुजार के हम मान जाएंगे आपकी बात, हम आपकी बातें मान जाएंगे, दावा देता हूं मैं। बल्कि हम आपको खाने भी पहुंचाएंगे, हम आपके लिए लोग भी भेज देंगे। आप धरना करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। टी चौक आपके सामने है, कंटेनर हम देंगे आपको, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन जो